तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद फिर से क्यूब क्राफ्ट खेलने वाले हैं। पहले तो तीन चार हफ्ते से वीडियो नहीं आ रही। उसके बाद मैं वो भी वीडियो लाया तो क्यूब क्राफ्ट की, वो भी 10 महीने बाद। मैंने खुद इतने टाइम से लॉगिन नहीं किया भाई, मैं माइनक्राफ्ट ही नहीं खेल रहा था सच बताऊँ तो। तो एक काम करते गाइस, हम लोग ना जाके देखते हैं कि हमारे स्काई ब्लॉक में क्या हुआ है। एंड गाइस हम अपना वही टेक्सचर पैक पे खेल रहे हैं। ओ भाई ये मेरा ही है ना। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये क्या बनाया मैंने, कब हुआ ये, वह सही में मुझे नहीं मालूम। कुछ था क्या हर भी बोर। अच्छा हाँ गाइज ये समझा मुझे ये। गाइज मैंने ना बहुत पहले बनाया था यार, अभी भी अच्छा हुआ। हाँ वो बात अलग है, मैंने खेला नहीं। तो गाइज इसमें देखो हमको अचीवमेंट मिली थी कि हमको ना 64 हमको बीट रूट खाने, और उसके लिए हमें फटाफट हंगर तो ख़त्म करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आधा आधा देता है ये तो। इसलिए मैंने ये बनाया था जिससे हम ना फटाफट ट्रैवल कर सकें, हमारे जो हंगर बार है वो फास्ट जाए। जैसे कि आपको मालूम होगा गाइस कि हम लोग ना अगर स्प्लिंट करेंगे ना बहुत ज़्यादा तो हमारी ना फूड बार है जो है ना, हंगर बार, वो ख़त्म होता है। तो गाइस इसलिए शायद ये मैंने बनाया होगा। हाँ गाइस मैं सच बताऊँ ना तो ये मैंने बनाया था कभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये मैंने बनाया, उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया था, उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, और देख ही सकते हो फिर अभी क्या सीन हो रहा है। वे जा भी नहीं रहा है इसका हंगर नूब का। हाँ ओके। अरे एंड गाइस मैं, अगर आप लोग भी खेलते होंगे ना तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको अगर ये कुछ टाया तो आप बीट रूट खा के कभी भी फुल हंगर बार मत करना, वरना ना बहुत मतलब कम लेट लेट जाता है हंगर बार जैसा टाइप, समझ रहे हो। तो गाइस समझो वो लास्ट वीडियो मैंने 10 महीने पहले बनाई थी राइट, और उसी के शायद से 1 महीने बाद मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था, एंड उसके बाद तो मैं देना भूल ही गैस पे ध्यान। क्या मालूम क्या हो गया था, एक काम आ गया था बस, उसके आगे तो देखा ही नहीं मैंने इधर क्या हो रहा है। ठीक है भाई देखते हैं अभी क्या होता है, चेस्ट वेस्ट खोल के देखते हैं ज़रा। अचीवमेंट इसको करेंगे बाद में, होती रहेगी साइड मिशन। ओ भाई लकड़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी, इधर 5 कोबलस्टोन ही है बस ये सब। अच्छा ये सब हमने ऐसे ही रखे। वैसे इस क्या क्वेश्चन दिया था इसने हमें, क्वेश्चन में जाके देखते हैं। स्टोन वर्क हर्बीवोर थियरी ऑफ ग्रेविटी न्यूटन। भाई आ गए हमारे इधर, हमें 50 एप्पल खाने भाई खरीद के। अरे खरीद भी तो नहीं सकते ना। जनरेटिंग कोल, मुझे 64 कोल जनरेट करना है एंड स्टोन वर्क। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग हमारे क्विस्ट को ही करते हैं, 1-2 क्विस्ट भी हो गए तो भी बहुत है क्योंकि गाइस काफ़ी टाइम लेते हैं क्विस्ट। एंड गाइस यहाँ पे हमारे कोल भी आए हुए हैं तो हम फटाफट से लेते रहते। अरे जाना भाई। तो गाइस हम लोग ना फटाफट से ये कोल देते और आप फास्ट फॉरवर्ड इंजॉय करो। तो गाइस मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहा हूँ पर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमको कोल तो मिलते जा रहे हैं लेकिन ये बीट रूट वाला टास्क तो बहुत ही मुश्किल है भाई, कब से भाग रहा हूँ मैं, हो नहीं रहा है। तो उसको साइड में रखते गाइस, हम अपना कोल का टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि होने वाला है, ऑलमोस्ट हो ही गया समझ लो। एंड गाइस अभी मुझे याद आया, ओके नाइस हो गया। हाँ तो गाइस लाइट इट अप, वाह सही में अभी इतना बना दिया मैंने, मुझे पक्का पता है टॉर्च का ही होगा कुछ 100 भाई।
100 टॉर्चेस बनाने, ये वाला भी हो जाएगा वैसे। पर हाँ, तो गाइस मैं क्या बोल रहा था मालूम कि ना, देखो मैं बोल रहा था कि मैं बाहर, फिर हो गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि कब ये सीन हुआ। मतलब 9 महीने पहले मैंने खेला, उसके बाद मैं भूल गया खेलना। तो गाइस इसका सीन क्या हुआ मालूम, मुझे अब याद आया। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में एक आपको वर्ल्ड बताया था जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड था, मतलब क्यूब क्राफ्ट में। एंड ये वाला गाइस मेरा सेकेंड वर्ल्ड है। तो गाइस मैं आपको वही बोल रहा था कि मैंने ना उसमें खेलने लग गया था मैं। हाँ, वो बहुत मैंने फिर खेला, उस बहुत भी नहीं, 1-2 महीने खेला उसको भी मैंने, वो भी 6-7 महीने पहले ही खेला होगा लास्ट बार। बस उसके बाद मैंने नहीं खेला, मैंने माइनक्राफ्ट तक देखा भी नहीं तब से। ओके गाइस कोई बात नहीं, तो अभी हम लोग अपना बीट रूट को ना मिशन साइड में रखते हैं। मैं नहीं कर रहा भाई, बहुत ग्राइंडिंग हो रही है, इसलिए शायद तभी मैंने छोड़ दिया था इसको करना। हाँ समझ गया। तो हम गाइस सब तक इन सबको ना क्लियर कर देते हैं जब तक हमारा ट्रीज जो है वो बड़े होते हैं। एंड गाइस वो मैं आपको अपने फर्स्ट वर्ल्ड में भी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, समझ जाओ, बस खेलने के लिए भी कुछ नहीं किया। बाकी देखते हैं अभी क्या क्या होता है, मतलब इतना ही प्रोग्रेस किया था, पर उसमें मैं ना ऐसा ज़्यादा कुछ टाइम पास ही करता था मेरा उसमें वो, ये इधर तक ही खुला था, ये प्लेन्स के बाद और एक स्प्रूस, देखो रहता है ना स्प्रूस वाला विलेज, उधर तक खोला था बस मैंने, उसके बाद उधर भी मैं जाके टाइम पास ही करता था। तो जा ओके, एंड हमारे सारे पेड़ भी उग चुके हैं, तो इसको पहले क्लियर कर देते हैं। यार बहुत गंदा दिख रहा है हमारे प्यारे से वर्ल्ड में, आइलैंड पे। गाइस मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी अपने ये ट्रीज़ को भी उगाने के लिए ना एक अच्छी सी जगह बना दूँ, क्योंकि कब तक मैं अपने मेन आइलैंड पर ही ये सब करता रहूँगा, तो समझ रहे हो, तो वो देख लेंगे बाद में। अभी हमें फटाफट से बहुत सारी लकड़ी चाहिए, फटाफट से इधर से काटते जाओ भाई। 100 टॉर्चेस बनानी है यार, बहुत होता है 100, क्या बोल रहे हो भाई। मेरे गाइस अभी भी मेरे पास 32 बचे सैपलिंग, और अलग से मिलेंगे अभी जब ये इसके पत्ते झड़ेंगे ना सब, तभी नाइस। तो हम फटाफट से इसको क्लियर करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने पेड़ को ऑलमोस्ट सब पेड़ काट दिए, मतलब लॉग्स इसके काट दिए। अभी हम देखते कि हमको कितने टोटल मिले। अरे वाह, न्यूटन एक मिल गए भाई हमको। अच्छा गैदर करना है, खाना नहीं है यार, इसके लिए भी बहुत सारे प्लांट चाहिए होंगे, उसको काटना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है भाई, अभी तो बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करना है। ओके तो गाइस अभी हमें 54 लॉग मिल चुके हैं, हम अपना क्राफ्टिंग टेबल को खोलते हैं, इसके बहुत सारे प्लैंक्स बनाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे टॉर्चेस चाहिए। एंड बूम, हमारे 100 टॉर्चेस का तैयार है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा वैसे, बूम हो गया, यस। अभी इतने टॉर्च का मैं क्या करूँ मुझे भी नहीं मालूम, थैंक यू मर्चेंट, सेल लेदर, ओ यस गाइस, ये देखो कोल टाइगा, मैं इसी की बात कर रहा था, स्प्रूस वाले। तो गाइस अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या सेल 30 लेदर करना है, बहुत बढ़िया। मेरे पास है क्या थोड़े, अरे अरे वाह भाई वाह, मेरे पास 10 है ऑलरेडी। पहले हम अपनी ये इन्वेंट्री खाली करते, पूरा कचरा से भर गया है छी, एंड सब यहाँ पे डालते हैं हम फालतू की चीज़ें, बाद में गाइस मैं सब इसको अच्छे से रख दूँगा, पर अभी नहीं कि अभी काम है भाई, बहुत ज़्यादा काम है अभी तो हमको। ये रख दो, लॉक को भी रख देते हैं, बाद में हम सही जगह पे रख देंगे। एंड हमें अभी 50 लेदर चाहिए ना, मतलब हमें अभी हमारी प्यारी गौ माता का, यार गंदे काम करवा रहे हैं हमसे, अफसोस पर करना पड़ना, जाने देते गाइस अभी हम इसको। 10 लेदर ले लिए और हमें 20 लेदर चाहिए, तो गाइस अभी हम अपना, अरे यार इधर भी लगाए, शी यार इधर भी तोड़ना पड़ेगा,
तो गाइस इधर हम चलते हैं। अरे इधर ही पैक कर दिया भाई मैंने। ओके तो गाइस यहाँ पे हम आ गए। अभी हम फटाफट से लेदर बहुत ज़्यादा जमा कर देते हैं। यार अबे रुक जाओ। कुछ भी नहीं मिला यार। थोड़ा इधर आ जाओ गाइस, गाइस इधर आ जाओ थोड़े गाइस, गाइस आओ ना। अरे शिट, ओ बचा भाई मेरे। अभी 8,000 कॉइन चले जाते हैं। क्यों कर रहा हूँ भाई मैं, 8,000 जाते क्या मालूम कितने जाते, पर कॉइन जाते इतना तो मालूम है। तो गैस मैं फटाफट से 30 लेदर जमा करने के बाद मिलता हूँ। एंड गैस फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद हमें हमें 30 मिल चुके। एंड गैस हमें हंगर बार भी कम है तो इसलिए बीट रूट खाते फटाफट। एंड गैस हमें 30 मिल चुके हैं, अभी हमें इसको बेचना है। हमें गैस हमारा नया आइलैंड मिल जाएगा, तो देखते हैं। सेल आइटम, सेल लेदर, 150 रुपया मिल गए। 150 रुपया, यस यस। अभी गाइस हम ना नया क्विज देखते हैं, पहले हम रिडीम करते हैं गाइस हमारा न्यू आइलैंड। हेलो, अ न्यू आइलैंड अपियर्स इन द डिस्टेंस। ओके डिस्टेंस ये साइड तो नहीं है, पूरा लैग है, पूरा ग्लिच है भाई। उस साइड जाके देखते हैं, कौन से साइड होगा क्या मालूम। ओ वो दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, वो रहा सामने। यस। तो गाइस ये वाले आइलैंड को हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे डिस्कवर। तो तब तक गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी थोड़ी सी भी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको नेक्स्ट पार्ट कैसा लगा, आपको अच्छी चीज़ कौन सी लगी इस वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय बाय।